तो चलो अभी हम करेंगे 8th one. तो देखो 8th one क्या है, 8th one जो है वो स्टार मार्किंग है, बट बहुत ही इजी है अगर आपने शांत मन से किया ना तो बहुत ही इजी है ये. ठीक है देखो क्या दिया है, फाइन एम इफ एम माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है. तो देखो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये थोड़ा सा अजीब तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर के आगे जो पूरा लिखा है ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. और यहाँ पे देखो ये जो एक्स के आगे ये पूरा लिखा है ये क्या है, कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट ये पूरा है और ये है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, रियल है एंड इक्वल है. और हमको क्या पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी. ओके एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब वही अपना डेल्टा, डिस्क्रिमिनेट पता है ना डेल्टा, जिससे हम इसको डिस्क्रिमिनेट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं डेल्टा, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यानी कि हाँ यही यही है वो डिस्क्रिमिनेट. तो ये जो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू जीरो होगी, इसलिए इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है. बस यही चीज का हम यूज करेंगे, मतलब किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे. दैट इज अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू जीरो. बस इसी का यूज करेंगे और हम देखो एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ओके तो बस अभी हमको क्या चाहिए, हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके. ओके तो फटाफट चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, आई होप आपको समझा होगा. ओके तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, तो इसको हम फिर से दोबारा लिख देंगे, दैट इज एम माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो अभी इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है तो ए बताओ ए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी से ए बी के वैल्यू जो है ना वो अजीब मिलेगी. ओके पहले हमको क्या मिलता, बहुत सिंपल सिंपल नंबर मिलते थे, यहाँ पे थोड़े से अजीब होंगे बट घबराना मत. ठीक है ए ए इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो ये पूरा लिखा है ना वो हमारा क्या है, ए है. ठीक है दैट इज ए इज इक्वल टू एम माइनस 12. और आप देखो बी, बी क्या है, बी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो एक्स के आगे ये जो पूरा लिखा है पूरा, ठीक है ये क्या होगा हमारा, बी होगा. खाली 2 हमारा b नहीं होगा, x के आगे जो भी लिखा है वो है हमारा b. तो दैट इज b क्या है, 2 इंटू एम माइनस 12. ओके और c क्या है हमारा, ये कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज c इज इक्वल टू 2. ओके अब देखो अब क्या दिया है हमको, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो दी है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम यूज करेंगे. तो क्या दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल है एंड इक्वल है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट्स ऑफ अबाव इक्वेशन, या गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ अबाव इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. तो यानी कि जो डिस्क्रिमिनेट है, डिस्क्रिमिनेट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही जो है वो हमको एम की वैल्यू फाइंड करने में मदद करने वाला है. ठीक है तो अभी हम ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं. ओके चलो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, 2 एम माइनस 12 का स्क्वायर. ठीक है समझ रहे हो, बी लिख दिया और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 ए, ए मतलब क्या, एम माइनस 12.
ओके और सी सी मतलब क्या टू और आगे इक्वल टू जीरो लगाना भूलना मत, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं भूल जाती हूँ ओके और लास्ट में फिर पता चलता है कि एम की वैल्यू आ रही क्यों नहीं, तो इक्वल टू जीरो लगाओ ठीक है। अभी अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो टू को भी मिलेगा और एम माइनस ट्वेल्व को भी मिलेगा ठीक है। तो ये जो देखो ये जो स्क्वायर है वो जब टू को मिलेगा तो टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, और यहाँ पे इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा एम माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर ओके समझ गया ओके। माइनस अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नंबर नंबर वाले जो हमारे ये जो नंबर है उनको सॉल्व करेंगे, दैट इज फोर इंटू टू होगा एट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ओके समझ गया ओके। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा शांति से सॉल्व करो, स्टेप वाइज करो, आराम से करो, आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये। अब क्या करने का देखो फोर और यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस, दैट इज वी नो दैट ए माइनस बी द होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू वॉट ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है। तो बस अभी इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इसके नीचे ही मैं ये लिख देती हूँ ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हमारा क्या है m माइनस ट्वेल्व द होल स्क्वायर है ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का रोल जो है वो m प्ले कर रहा है, b का रोल जो है वो 12 प्ले कर रहा है ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर माइनस टू a, a मतलब m, b मतलब क्या 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 12 का स्क्वायर ठीक है। तो अब ये सॉल्व करो एम स्क्वायर माइनस टू ट्वेल्व हो जाएगा 24 एम प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी कि दिस इज अवर आंसर, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया है आप कर सकते हो ना ठीक है। मैं डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ और ये चीज़ जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी और आप भी ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे जो फोर है ना इसलिए आगे फोर है इसलिए। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस क्या मिला था 24 एम प्लस 144 ठीक है। चलो अभी अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो माइनस एट है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा ठीक है, एट मल्टीप्लाई नहीं होगा माइनस एट अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अंदर वाला जो टर्म होगा उसकी साइन चेंज होने वाली है ठीक है। तो देखो माइनस एट इंटू एम होगा माइनस एट एम और यहाँ पे माइनस एट इंटू ट्वेल्व करेंगे तो दैट इज माइनस माइनस हो गया प्लस एट इंटू ट्वेल्व हो जाएगा 96 इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है। इतना समझ गया ओके। अब आगे अब ये फोर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, तो फोर इंटू एम स्क्वायर होगा फोर एम स्क्वायर माइनस अब इसको फोर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे दैट इज फोर इंटू 24 करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, दैट इज 24 इंटू फोर करेंगे फोर फोर ज़ा 16 फोर टू ज़ा 8 9 96 ठीक है 96 मिला, दैट इज फोर इंटू 24 होगा 96 और ये आगे m ओके प्लस अब क्या करेंगे फोर इंटू 144 करेंगे दैट इज 144 इंटू फोर करेंगे तो फोर फोर ज़ा 16 फोर फोर ज़ा 16 प्लस 1 17 फोर वन ज़ा 4 प्लस 1 5 दैट इज 576 आई होप आपको समझ रहा होगा 576। अब आगे का लिख दे के दैट इज माइनस 8 एम प्लस 96 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक बार फिर से देख लो क्योंकि शायद मुझे यहाँ पे ये रफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर जगह नहीं हुआ तो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सारे वैल्यूज़ को अच्छे से पुट किया ए बी सी के वैल्यूज़ को, उसके बाद यहाँ पे देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा तो टू का स्क्वायर तो हो गया फोर और ये स्क्वायर इसको मिलेगा तो ऐसे लिख दिया ठीक है। यहाँ पे क्या किया फोर इंटू टू किया तो एट और इसको ऐसे कैसे लिख दिया इक्वल टू जीरो। फिर इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया यूजिंग दिस तो इसको यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में माइनस, अब ये माइनस एट को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ठीक है। फिर क्या किया ये फोर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये देख लो ये जो है वो सारे ये है ये जो है वो ये है इक्वल टू जीरो समझ गया। तो मैं अभी बस बता देती हूँ कि क्या होने वाला है हमारे साथ, हमारे साथ क्या होने वाला है जब हम इसको अभी सिंपली सॉल्व करेंगे ना लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यस हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमको m के वैल्यूज मिलेंगे और फिर हम देखते हैं कि m के कौन से वैल्यू को हमको एक्सेप्ट करना है ठीक है। तो कुछ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था
और हमको अंदर एक और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, ओके okay, और हम क्या करेंगे उससे एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके okay, बहुत ही सिंपल है, बस क्या करो स्टेप वाइज करते जाओ और साइनों का ध्यान दो, ठीक है बस। चलो अभी देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये तो एक mm वाले टर्म और ये नंबर नंबर वाले टर्म, इनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं 4m². अब यहाँ पे देखो mm वाले टर्म को देखो, इनके आगे साइन क्या है, माइनस की है, ओके तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 96m प्लस 8m करेंगे, ठीक है 96m प्लस 8m करेंगे तो क्या मिलेगा, m तो यहाँ पर ही रहेगा, 6 प्लस 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 मिलेगा और 9 प्लस 1 10, यानी कि 104m मिलेगा, 104m, यानी कि क्या किया देखो मैं बताती हूँ, 96m और ये है 8m, इनके आगे साइन क्या है, माइनस की है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए इन दोनों को प्लस किया तो मिला ये, अब ग्रेटर नंबर साइन क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस डालना पड़ेगा। अब नंबर्स की बारी आ गई, नंबर्स के आगे जो साइन है वो क्या है, प्लस प्लस है, यानी कि दोनों प्लस हो गए, दैट इज 576 प्लस 96, ठीक है तो 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 और 6, दैट इज 672, और यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर साइन जो है वो प्लस है, प्लस और इक्वल टू जीरो। बस देखो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं मिला, मैं बोल रही तो थी, कब से चिल्ला रही थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, देखो मिल गया। बस अभी क्या है ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल बनाना है। सिंपल कैसे बनाएंगे, देखो इधर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो सिंपल कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो ये 4, 104 और 672 जो है वो कौन से टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये तीनों में से 4 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, 4 को क्या करेंगे बाहर कॉमन निकालेंगे, या हम दूसरा वे क्या कर सकते हैं, हम 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक है मेरे को लगता है वो अच्छा रहेगा डिवाइडिंग वाला, ठीक है तो डिवाइडिंग वाला करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ये सब क्यों कर रहे हैं पता है ना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो और थोड़ा सा सिंपल मिले, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m² माइनस 104m प्लस 672 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 4। अब ये 4 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, दैट इज 4m² डिवाइड बाय 4 माइनस 104m डिवाइड बाय 4 प्लस 672 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 कैंसिल, 4 वन जा 4 यहाँ पे होगा, 4 टू जा 8, ओके 2 बचेगा, 4 सिक्स जा 24, यहाँ पे देखो 4 वन जा 4 यहाँ पे होगा, 4 वन जा 4 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 सिक्स जा होगा 24 और 24 4 सिक्स जा क्या होगा 24 होगा, और तो कितना बचेगा 24 25 26 27 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एट जा 32, ओके तो अब देखो हमको क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल्स टू 0, तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा और सिंपल, इससे तो सिंपल ही है, ओके अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और m के वैल्यूज निकालेंगे, बहुत ही इजी, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि वन, अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, दैट इज 168 इंटू 1 होगा 168। अब हमको क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 168 मिलता है और जिसको प्लस करने पे, ध्यान से सुनना, जिसको प्लस करने पे हमको 26 मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है वो थोड़ा तो बड़ा है हमारे लिए, है ना, क्योंकि 168 कौन से टेबल में आता है ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि वो दो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो वो अभी हम सीखने वाले हैं। मैं अभी ये पूरा रफ करने वाली हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 168 मिलता है
जिसको प्लस करने पे हमको 26 मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि 168 कौन से टेबल में आता है। तो क्या करने का, देखो जब भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो क्या करने का, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करो, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करो, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2 और 2 के टेबल में 168 जाएगा, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर है 3 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टर्स मिले हमको 168 के, वो देखो ये है, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 7, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये ही हमको मदद करेंगे वो दो नंबर्स फाइंड करने में। अब यहाँ पे क्या करो ना, अभी दो नंबर्स को क्या करो, दो नंबर्स का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 7 और 3 का ग्रुप बनाते हैं, दैट इज 7 3 जा होगा 21, और अभी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। तो ये दो नंबर्स आए हैं, सबसे पहली हमारी जोड़ी आई है 21 और 8 की। तो क्या 21 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8 से, तो हमको 26 मिलेगा, नहीं। देखो इनको मल्टीप्लाई करने में हमको पक्का 168 मिल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ओके। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का 168 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या इनको ऐड करने पे हमको 26 मिल रहा है, नहीं। तो मतलब ये ग्रुप हमारा बरोबर नहीं था। अब हम दूसरा ग्रुप फाइंड करेंगे, ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या करते हैं, ये करते हैं 7 को 2 के साथ देखते हैं, ठीक है। 7 2 जा हो गया 14, और बाकी सब सारे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है 12। तो दो हमारे नेक्स्ट जोड़ी है 14 और 12 की। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का 168 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ही चूज किया हमने। क्या इनको ऐड करने पे हमको 26 मिल रहा है, यस मिल रहा है, यानी कि हमारे दो नंबर्स वही है, मतलब यही है। 14 प्लस 12 करो 26 मिल जाएगा, यानी कि 14 इंटू 12 होगा 168 और 14 प्लस 12 होगा 26, यानी कि हमारे जो दो नंबर्स हैं वो ये हैं, ओके, दैट इज 14 एंड 12, समझा। तो ऐसे करने का, इनके साथ खेलने का, और क्या करने का, ग्रुप बनाने के, मतलब दो जोड़ी बनाने की। देखते हैं ये जोड़ी, ये पहले वाली जोड़ी थी वो बरोबर नहीं थी, ये जोड़ी, हाँ ये जोड़ी हमारी बरोबर है, ठीक है, ऐसे करने का। तो अभी दो नंबर मिल गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अभी इनको हम साइन देंगे, इनको ऐसी साइन दो ताकि माइनस 26 मिले, तो यानी कि माइनस और माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो 14 प्लस 12 26 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, तो दैट इज आगे सॉल्व करती हूँ। एम स्क्वायर, और ये माइनस 26 एम के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 14 एम माइनस 12 एम, ओके, प्लस 168 इज इक्वल्स टू 0, ओके, समझ गया। अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये जोड़ी बना दो, इसकी जोड़ी यहाँ से कॉमन बाहर निकालो, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, m, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बचेगा m माइनस, यहाँ पे बचेगा 14, ओके, m तो बाहर कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे जब भी माइनस साइन होती है तो मैंने क्या बोला था, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकालो, ओके, और कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि अंदर की साइन चेंज होने वाली है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, जैसे कि मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 12। अब 12 कैसे कॉमन निकलेगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि 12 14 जा होता है वो होता है 168, है ना, यहाँ पे देखो ना, तो यानी कि 12 14 जा होगा 168, इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों में से 12 को बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा m प्लस यहाँ पे बचेगा 14, क्योंकि 12 14 जा होता है 168। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। और एक बात मैं भूल गई, मैं ही खुद भूल गई, यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो हमने क्या किया, माइनस साइन और 12 को बाहर कॉमन निकाला, दैट इज माइनस 12 बाहर कॉमन निकल गया है, यहाँ पे बचेगा m, और ये प्लस साइन चेंज होने वाली माइनस में, क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको देखो प्लस ही मिलेगा, दैट इज माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 14 जा होता है 168, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देख लो झाँक के कि इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, वही ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12 बाहर कॉमन निकलेगा, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
दैट इज वी कैन राइट एम माइनस 14 इज इक्वल्स टू जीरो और एम माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो. तो दैट इज एम, यहाँ से एम के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं. बताइए आपको ये सब माइनस 14 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, ये माइनस 12 है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 12. ठीक है, तो एम के दो वैल्यूज मिले. तो अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ. यहाँ पे हमको m के दो वैल्यूज मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो, m इज इक्वल्स टू 12 जो है, m इज इक्वल्स टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल. इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इज नॉट एक्सेप्टेबल. भाई वाई क्यों क्यों नहीं कर पाएगी, तो मैं इसका रीजन बताती हूँ. देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. देखो हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा था, तो जनरल फॉर्म क्या था, यानी कि एक पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन जो देखा था वो क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होते हैं और ए बी सी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया दैट इज़ ये टर्म ही 0 हो जाएगा तो फिर जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है, नहीं होगा, यानी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, वरना क्या होगा, ये टर्म ही चला जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये तो लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल हो जाएगा. तो बस यही चीज है जो हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं. यहाँ पे देखो हम m इज इक्वल्स टू 12 जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम m की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू जब हम 12 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 12 माइनस 12 और आगे क्या है x स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 12 मतलब 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अगर समझो ये टर्म ही 0 हो गया तो आगे जो ये बच गया दैट इज ये जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा. इसलिए m इज इक्वल्स टू 12 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, m इज इक्वल्स टू 14 ये एक्सेप्ट करेंगे. तो m इज इक्वल्स टू 12 क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, समझा, क्योंकि देखो एक बार फिर से बताती हूँ, अगर हमने m इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे भी देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, अगर हमने m इज इक्वल्स टू 12 यहाँ पे पुट किया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0, यानी कि ये टर्म गायब हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ पे ये जो बचेगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा. और जबकि हमको बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहना चाहिए, है ना, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ लिखेंगे, ऐसा क्रॉस क्रॉस मत करना आप, ये पूरा यहाँ पे लिखेंगे और बोलेंगे बिकॉज ये जो इक्वेशन है विल नॉट बी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए हम m इज इक्वल्स टू 12 एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो देयरफॉर हम बोल देंगे m इज इक्वल टू 14, जो हमारी वैल्यू है m की वो 14 है. ठीक है, तो बस बहुत इजी है, बस ये पार्ट को आपको समझना चाहिए, बाकी सब इजी है. नहीं समझता अगर तो दो बार वीडियो को देखो, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ के ही जाना. तो चलो अभी इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन. तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन. यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, एक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, स्टार मार्किंग है बट बहुत ही इजी है. ओके, तो बस ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही इजी लगेगा ये. यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम क्या करेंगे उसके रूट्स को सम करेंगे ना, मतलब कि रूट्स को ऐड करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. ओके, और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जब हम क्या करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे,
और फिर उनको सम करेंगे ना तो हमको 35 मिलेगा, और हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना। तो देखो, जैसे कि हमको पता है कि अगर हमारे पास क्या है, समझो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। यानी कि यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया है, ये कॉन्सेप्ट कि अगर समझो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। जैसे कि अगर देखो हमारे पास क्या है, रूट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, है ना। अगर समझो अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रूट्स के मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या क्या लगता है, जरा देखो क्या लगता है, वो रूट्स का एडिशन लगता है, दैट इज एडिशन ऑफ द रूट्स लगता है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स लगता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगता है। इसमें से ये हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है कि जो जो वो इक्वेशन है, जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड करना है, उसके रूट्स को जब हम क्या करेंगे, सम करेंगे ना, तो हमको 5 मिलेगा। तो हम लेट ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ये होगा, इसमें हमको इसकी और इसकी जरूरत पड़ती है, उसमें से ये वाला तो है हमारे पास, दैट इज एडिशन ऑफ द रूट्स तो हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं है, दैट इज हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हमको ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उस वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। समझा कॉन्सेप्ट, ओके। तो अभी बात ये आती है कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। अब देखो जो कंडीशन जो गिवन है ना, उसको हम लिखेंगे। हमने लेट तो ले लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या दिया है यहाँ पे कि द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। यानी कि जब हम वो दो रूट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम मतलब ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, और ये क्या है, गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। और देखो और क्या कंडीशन दी है हमको रूट्स के बारे में, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, यानी कि जब हम क्या करेंगे, वो जो रूट्स है उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे। तो चलो हमने क्यूब कर लिया, और फिर जब हम उसको सम करेंगे, सम करेंगे तो हमको मिलेगा 35। इसको हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली लिख रहे हैं। अब देखो फिर से एक बार पढ़ो, क्या बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। यानी कि सम ऑफ किसका, मतलब सम मतलब क्या, एडिशन, एडिशन किसका, उनके क्यूब्स का। तो एडिशन यानी कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू 35, तो वही हमने लिखा है। तो सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू व्हाट, 35। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, बीच में लिख देंगे गिवन। ये हमारी कंडीशन है जो हमको दी थी, और हमने उसको मैथमेटिकली लिख दिया है। अब क्या चाहिए हमको, याद है ना हमको क्या चाहिए, हमको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो, बहुत ही ईजी है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर क्यूब का डिस्कशन चल रहा है, तो हमारे पास एक क्यूब का फॉर्मूला है, दैट इज हमको पता है, वी नो दैट x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, ओके, y क्यूब। तो ये है हमारा वो फॉर्मूला, द x प्लस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, ओके। तो बस अभी इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। आप चाहो तो यहाँ पे रूट्स एक्स वाई भी ले सकते हो, बिंदास, कोई इशू नहीं है, ओके। तो नहीं, एक्स वाई एक्चुअली नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा
वो खुद ही वेरिएबल एक्स में होने वाला है, ठीक है। एक्स वाई नहीं ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, ए बी वगैरह जो एम एन लेना है तो एम एन भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली तो क्या करते हैं अल्फा और बीटा से ही डिनोट करते हैं रूट्स को। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के फॉर्म में बनाएंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। बस इसी फॉर्मूला को हमने अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखा है, एक्स के जगह पे अल्फा लिखा है और वाई के जगह पे बीटा लिखा है। ओके, नाउ करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यानी कि हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे रहने देंगे, बाकी सबको हम वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब, यहाँ पर ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 अल्फा बीटा कॉमन निकाल सकते हैं। देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, 3 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, और एक अल्फा भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, और एक बीटा भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक अल्फा बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बीटा बच जाएगा, बीटा, ओके, और प्लस यहाँ पे बीटा क्यूब। अब हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला है, इसको और इसको यहाँ पर ही रहने दो, और ये जो पूरा टर्म है, ये अभी एक पूरा टर्म है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा, देखो, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, ये प्लस में है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट के अंदर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या मिला हमको, क्या बच गया, सॉरी, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचा, बीटा क्यूब। दैट इज एक मिनट मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखती हूँ। दैट इज, देखो हमको क्या मिला यहाँ पे, दैट इज हम बोल सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको और इसको यहाँ पर ही रखा और सिर्फ इसको वहाँ पे शिफ्ट क्यों किया, मैम क्वेश्चन आपके मन में होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखो, अभी एक डाउट जो है आपका वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू दी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दी थी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इक्वेशन के एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। और देखो, अभी हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, दैट इज 5, तो इसके जगह पे हम 5 लिखेंगे, 5 का क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास नहीं है, बाकी सब हमारे पास है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अल्फा बीटा नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा हमको यहाँ से मिल जाएगा। जब हमको यहाँ से वो मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला और अल्फा इंटू बीटा वाली वैल्यू क्या करेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो हम फ्रेम करने वाले हैं, उसमें हम पुट करेंगे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस क्यों है, ये इधर से लगा के जो प्रोसेस हमने चालू किया वो क्यों किया, क्योंकि हमको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, ओके। तो बस अभी देखो, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट ओपन, अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो 5, और यहाँ पे बस लिख दो, यहाँ पे सेंस करके लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये वैल्यूज जो डाले वो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डाले, तो यहाँ पे प्लीज आप लोग लिख दो, ओके। अब सॉल्व करेंगे, 35 इज इक्वल टू 5 का क्यूब होगा 125, बरूबर, 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा 125, माइनस 3 5 15 अल्फा बीटा, ओके। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये जो है माइनस 15 अल्फा बीटा जो है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 15 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे इक्वल टू 125, और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35। तो मेन मोटिव क्या था कि नंबर को एक तरफ लेना है और इसको एक तरफ लेना है, तो ये माइनस में था इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। दैट इज 15 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 125 माइनस 35 करेंगे तो हमको मिलेगा 90, ओके, 90 मिलेगा, 90। तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 15, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
15 कितने सा 90 होगा, 15 7 5 सा नहीं 7 नहीं 6 मे बी 6 हो सकता है, 6 5 सा 30, 6 1 सा 6 और 3 होगा 9, यस, यानी कि 15 1 सा 15, 15 6 सा 90, यानी कि 6 मिला। देखो हमको अल्फा इंटू बीटा मिल गया है। ओके, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है उसके रूट्स के कुछ कंडीशन हमको दिए हैं, बरोबर। तो हमने क्या बोला सबसे पहले कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको बनाना है, जो हमको फाइंड करना है। फिर यहाँ पे क्या दिया था कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को हम सम करते हैं तो हमको मिलता है 5, ठीक है, हमने लिख दिया इसको मैथमेटिकली। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोली थी कि वो जो रूट्स है उनको जब हम क्या करते हैं, उनका जब हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं और फिर उनको सम करते हैं तो हमको मिलता है 35। तो हमने क्या किया, पहले तो क्यूब कर लिया इनका, उसके बाद उनको सम कर दिया यानी ऐड कर दिया तो हमको मिलेगा 35। ये कंडीशन गिवन थे, ओके। उसके बाद मैंने बताया ही था कि हमको क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फ्रेम करना है या फाइंड करना है वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें से ये तो हमारे पास है, ये नहीं है, ये नहीं है ना, इसलिए हम इसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ओके, ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें से हमने यहाँ पे क्या किया, 3 अल्फा बीटा को कॉमन बाहर निकाला तो बच गया अल्फा प्लस बीटा। फिर इसको और इसको यहाँ पर ही रखा, इसको हमने वहाँ पे शिफ्ट किया, बस इसको अच्छे से लिख दिया, अरेंज किया, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट किया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अभी देखो, अभी नाउ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ करती हूँ, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। तो देखो नाउ वी विल राइट, देखो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे नाउ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ये यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखेंगे इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जैसे कि हमारी जो वैल्यूज आई है, हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था, देखो यहाँ पे इक्वेशन वन में था 5 था, ठीक है, मैंने रफ कर दिया, 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा देखो क्या मिला है 6 इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ओके, ये जो वैल्यूज हमने डाले वो इक्वेशन 1 और 3 से डाले, तो ये है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम रूट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे तो हमको 5 मिलेगा और जब हम उसकी रूट्स को क्यूब करके सम करेंगे तो हमको 35 मिलेगा। तो ये है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा याद रखना, अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोलते हैं, फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए उनका और एडिशन ऑफ द रूट्स चाहिए, तो हम आराम से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया, बहुत इजी है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।